श्वेता, मेरा नाम है इंद्र और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में। जिंदगी गुजारे का एपिसोड 9 का पार्ट 2 आइए देखते हैं। मेरे पेरेंट्स मुझे सारा वक्त पूछते रहते हैं कि तुमने मुझे शादी करनी भी कि नहीं। नहीं, क्या इनसिक्योरिटी है तुम्हें? अरे यार, इतनी जबड़े बढ़ गए तो कौन करेगा शादी? भाई सो रिलक्टेड मैंने कब से दे रहे हैं एज टू थी। मुझे तुम्हारी ये हिपोक्रेसी सहर लगती है। हिपोक्रेसी वाली क्या बात है? ये हिपोक्रेसी तो है ना, तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारा इंतजार करूं और साथ में तुम कमेंट भी नहीं कर रहे। यू कांट हैव योर केक एंड ईट इट टू। आई मीन अच्छा यार, तुम इसे हिपोक्रेसी ही समझ लो। जारू गॉड कर लेना अगर दूसरा अच्छा। यस मारा यार, कोई डिसीजन ले लो आज या कल, डिसाइड व्हाट यू वांट। थैंक यू जारू, अगर तुम नहीं इंटरेस्टेड शादी करने में या असमारा में, तो क्यों टेंशन हो रही है अगर उसको किसी और की प्रपोजल आ रही है? उसके पेरेंट्स को पूरी जिंदगी तुम्हारे इंतजार में तो नहीं बिठाए रखेंगे ना। मैं मैरिज समझ ना, क्या तुम उसे शादी करना चाहते हो, क्या तुम उसे कहीं और शादी करने दे रहे हो? वो क्यों हो गई की मैंने तुमसे इतना डिस्कस किया, तो मेरा पॉइंट समझ नहीं सकती क्या? बस तुम्हारा पॉइंट तुम्हारा कोई पॉइंट है हर मार्ग का पॉइंट है ये कहेंगे तू यू नो राइट। अब ये क्या सोच रही है देखते हैं। ये किसकी शादी का कार्ड है? जारून की बहन का। जारून ने अपने बहन की शादी का कार्ड दिया तुम्हें? यूनिवर्सिटी में ऐसी कोई लड़की नहीं होगी जिसे उसने इनवाइट नहीं किया। मेरे ऊपर भी एक कार्ड जाया उनका। ये तो डेट गुजर गई। हाँ तो मेरे पास इतना फजूल वक्त और पैसा नहीं है, और ना ही मुझे एक बार फिर थके खा खा कर लिफ्ट मांगने का शौक है। अगर ये चीजें होती तो चली जाती। नहीं, मैं फिर भी नहीं जाती। मैं तो चली जाती। हाँ तब तो जाती। शादी हो गई मतलब? उस लड़की को अपनी बहन की शादी पर क्यों बुलाई? इसको गलत फहमी मुतल करने की कोशिश करो, उसको तो कुछ फहमी होगी। अब बता तुम शक्कर नहीं करना। मैं खाऊंगा हमेशा। तुम उसे जो वेयर भी ट्रीटमेंट दे रहे हो तो कॉल दे रहे, उसका क्या मिले? क्या मायने हो सकता है? ओ प्लीज उसको क्या तुम लगता है उसने इसमें लगता है गलत।
फायदा होगा तुम्हें इसका? फायदा नहीं होगा तो नुकसान भी नहीं है। उसके बाद क्या होगा? बाय और अगर डिनर पे चली भी गई gladly for the day. So I don't want to fall into this school. Because I'm not going to answer the same question. Does it look like I care? Krishan, Paul? Krishan, come on. क्या बदतमीजी है? बदतमीजी? बदतमीजी सिर्फ उसके लिए होती है जो तुम्हारी तरह जाहिल ना हो तो। क्या मतलब? मैं ये कह रही थी कि मेरे नजदीक तुम्हारी अहमियत इन कागज के टुकड़े जितने नहीं है। तुम किस कदर गैर अहम और छोटे आदमी हो, मैं तुम्हें ये कहने आई हूँ। अच्छा, तुम दूसरों के बारे में जो चाहे कह सकते हो, लेकिन दूसरे तुम्हारे बारे में कुछ नहीं कह सकते। वो दूसरी लड़कियां होंगी जो तुम्हारी तफरी का सामान बनने के लिए तुम्हारे आगे पीछे दिखती है। मैं उनमें से नहीं हूँ। तुम अपने आपको समझ से क्या हो, क्या चीज हो तुम? लड़कियां तुम्हारे ऊपर फिदा हो जाए, ये उनका फर्ज बन जाए। अपना नहीं तुम्हारा भी तमाशा बना रही हूँ, पर अगर तमाशा बनना है तो बनने दो। तुम्हें तो अच्छा लगता है ना बदनाम रुसवाए अपनी नहीं सिर्फ दूसरों के लिए। तुम्हारे मिले जुआस लड़कों के बारे में ख्याल मुझे तुम्हारी अपॉलॉजीज की कोई जरूरत नहीं है। जाने दो उसे। बट नहीं, एक्चुअली शी इज लाइक यार, इतना तो तुम नहीं कर सकते हो यार। कसूर तुम्हारा था? हाँ। तुम्हें लाइब्रेरी में इस तरह की बात करने की क्या जरूरत थी? अमीन, अगर वो ना सुनती तो कोई और सुन लेता। नतीजा तो यही होना था ना। Why don't you realize what you said was quite disgusting? उसकी साइड क्यों लेती? तो तू भी तो यही कर रही थी यार। उसके साथ जाके हैंगआउट करो ना। सारा ये तुम्हारा मसला नहीं है। मैं जारून को समझा रहा हूँ, मुझे इसे समझाने दो। Please stay out of this. You don't have to be that rude, bro. मुझे लगता है तुम्हें माफी मांगनी चाहिए। Over my dead body. अच्छा, फिर एक बात याद रखना, ये मामला अगर मैनेजमेंट तक पहुंच गया, जो कि पहुंच ही जाएगा, तो तुम उसकी दोस्त हो, तुम्हें भी इसे समझाना चाहिए। Right.
और जल्दी आके रेडी हो जाओ। हाँ परेशान हो किसी वजह से? नहीं मैं परेशान नहीं हूँ। देखो कोई बात है तो मुझे बताओ। बात है अगर कुछ खाने को तो प्लीज ले आओ, भूख लगी मुझे। बुरा लगता है यार, आजमाइश है कि खत्म ही नहीं होती। आगे कुआं पीछे खाई वाली सिचुएशन है मेरे लिए। यहाँ पर सब मुझसे पता नहीं क्या क्या उम्मीदें लगाकर बैठे हैं और मैं यूनिवर्सिटी से ही बेजार हो गई हूँ। बहुत गलत किया जारून ने यहाँ पे, वही उसका इंटेंशन नहीं वही था। अब सुन गया, अच्छा हुआ सुन लिया। एक्चुअली मुझे चाहिए था क्योंकि एटलीस्ट फिर आगे जाके कुछ इतना तो उसको इतना हर्ट तो नहीं होना। देख ऑलरेडी उसके लाइफ में इतना प्रॉब्लम्स है यार, उस बीच में भी ये सब फालतू गिरी तो किसी को भी गुस्सा आ ही जाएगा। सीधी सी बात है, मैं बेचारी पढ़ना चाहती, पढ़ने तो क्यों पंगे ले। एब्सोल्युटली यहाँ पर कोई तरह बोलते ना। चलो देखते आगे ये कौन से लेवल तक जाता है। तब तक के लिए वीडियो को लाइक सब्सक्राइब, हमें क्लिक ऑन द बेल आइकॉन।